बिस्मिल्ल रहीक आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के दो केसेस आपको याद है केस नंबर वन क्या था जी केस नंबर वन था व्हेन टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन केस नंबर टू हमने डिस्कस किया वन टू एंगल्स एंड अड इज गिवन आइए अब देखते हैं थर्ड केस स्टूडेंट्स थर्ड केस ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ थ्री साइड्स आर यानी अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि उसका एरिया फाइंड आउट कर दें तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे उस फार्मूला को हम ड्राइव करने जा रहे हैं मैं उस फार्मूला की स्टेटमेंट लिखता हूं प्रूफ फॉर ट्रायंगल एबीसी विद यूजल नोटेशन ये सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी s minus c. This is the formula. This formula is called Hero's formula या इसे Heron's formula भी कहा जाता है ये formula students 2000 years पुराना है almost 2000 साल पहले यह formula derive किया गया आइए हम इस formula को derive करते हैं आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में एंगल्स का जिक्र नहीं है साइड्स का जिक्र है ए बी और सी और आप जरा देखिए इसमें है एस एस क्या है जी आपको एस याद आ गया होगा एस इज हाफ ऑफ द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ यानी इसका फार्मूला क्या होगा जी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू तो इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम अगेन बेस बनाएंगे अपने केस वन को अब केस वन में हमने क्या डिस्कस किया था टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल जब गिवन हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जी हमारे पास है तीन फार्मूलाज क्या क्या है हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा हाफ ऑफ बी सी साइन अल्फा एंड हाफ ऑफ सी ए साइन बीटा यानी इन तीनों में से किसी एक को बेस बनाकर हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं आइए किसी एक को बेस बनाते हैं वी नो दैट area ऑफ triangle इज इक्वल टू वन बाई टू बी सी साइन ऑफ अल्फा तीनों में से किसी एक को भी बेस बनाया जा सकता है अब यहां पर आप अगर इस फाइनल फॉर्मूला को देखें जो हम बनाना चाह रहे हैं हमें यहां से किस चीज को एलिमिनेट करना है और इनफैक्ट किन टर्म्स को लेकर आना है जी हम अगर यहां पर देखें हमें यहां दिखाई दे रहा है स्क्वेयर रूट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है एस और साइड्स ए बी और सी ये तीन चीजें हमें नजर आ रही है स्क्वेयर रूट एस ए बी और सी तीनों साइड अब यहां पर हमारा मसला क्या है हमारा मसला है कि ये साइन ऑफ अल्फा खास तौर पर नजर आ रहा है ये साइन ऑफ अल्फा तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ये बी सी ये तो चले साइड्स हैं कोई मसला नहीं इनका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा लेकिन असल मसला यह है साइन ऑफ अल्फा इसको हटाना है अब जरा रिकॉल करें कि हमें अगर साइन ऑफ अल्फा को हटाना है और एस ए बी सी स्क्वेयर रूट ये लेकर आना है तो कोई फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हों सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यानी अपने इसी चैप्टर की डोमेन में रहते हुए कोई ऐसे फार्मूलाज के जिनके अंदर हम स्क्वेयर रूट एस ए बी और सी वगैरह डिस्कस कर चुके हों और ताल्लुक हो उन फार्मूलाज का साइन ऑफ अल्फा के साथ जरा रिकॉल करें जी हमने एक सेट ऑफ फार्मूलाज डिस्कस किया था जिसमें एस ए बी सी वगैरह ये सब आते थे कौन सा सेट था वो फार्मूलाज का जी बिल्कुल आपको याद आ गया होगा वो है हाफ एंगल फार्मूलाज हाफ एंगल फार्मूलाज की शक्ल कुछ ऐसी थी स्क्वेयर रूट एस ए बी सी कुछ ऐसी शक्ल थी उनकी वहीं पर हमने असल में ये एस का इंट्रोडक्शन भी किया था अब वो हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करने के लिए यहां पर क्या सिचुएशन मौजूद है ये क्या गिवन है ये तो साइन ऑफ अल्फा है अल्फा फुल एंगल है हाफ एंगल नहीं है हमें ट्राइंगल के हाफ एंगल की बात करनी है अल्फा ट्राइंगल का एंगल है लेकिन हाफ नहीं है हम यहां पर हाफ एंगल किसी तरह से ला सकते हैं साइन अल्फा को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जी चैप्टर टेन आपको हिंट दे रहा हूं चैप्टर टेन वहां पर जरा सोचें साइन ऑफ अल्फा को आप हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जी नहीं याद आया चलें मैं आपको एक और हिंट देता हूं डबल एंगल आइडेंटिटी रिकॉल करें जरा क्या है डबल एंगल आइडेंटिटी जी आपको याद आ गया साइन टू सीटा इज इक्वल टू टू साइन सीटा टू साइन सीटा ये है डबल एंगल आइडेंटिटी अब इस डबल एंगल आइडेंटिटी की फिलोसफी क्या है जरा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं यहां पर अलहदा से साइन टू सीटा स्टूडेंट्स इसकी फिलॉसफी क्या है टू साइन सीटा को साइन सीटा इसकी फिलॉसफी यह है कि जो एंगल यहां पर होगा उसका हाफ राइट साइड पर होगा यहां है टू सीटा टू सीटा का हाफ करने के लिए आप इसे टू से डिवाइड कर दें, टू और टू कैंसल होगा यहां पर आ जाएगा सीटा और यहां पर आ जाएगा सीटा अगर हम यहां पर सीटा कर दें तो राइट right साइड पर साइन सीटा बाय टू को साइन सीटा बाय टू हो जाएगा तो ये फैक्ट हमें यहां पर यूज करना है हम साइन ऑफ अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं साइन टू साइन अल्फा बाय टू को साइन अल्फा बाय टू से लेकिन हम पूरा हवाला दे देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए एज साइन टू सीटा इज इक्वल टू टू साइन सीटा को साइन सीटा सो साइन सीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू को साइन सीटा बाय टू अब इसे यूज करते हैं यूजिंग इट वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन बाय टू बी सी टू साइन अल्फा बाय टू को साइन अल्फा बाय टू हमने इसे यूज कर लिया डबल एंगल आइडेंटिटी को अब यहां पर कोई सिंप्लीफिकेशन जो हो रही हो जी ये टू और टू कैंसिल हो गया अब अगेन हमने जो ड्राइव करना है जरा उसको देख लें हमें यहां पर स्क्वेयर रूट नजर आ रहा है एस नजर आ रहा है साइड ए बी सी नजर आ रही हैं इस तरह से ब्रैकेट्स में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हमें मिलते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज में अब साइन अल्फा बाय टू और कोसाइन अल्फा बाय टू हाफ एंगल फार्मूलाज रिकॉल कर लें जी मैं जरा लिख रहा हूं आप रिकॉल करें यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज जी हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करते हैं बी सी साइन अल्फा बाय टू जी याद आया आपको जी इसका फार्मूला है स्क्वेयर रूट ऑफ यहां पर अल्फा है तो अल्फा का अपोजिट साइड ए इस फॉर्मूला में नहीं आएगा ये होगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बीसी कुन अल्फा बाय टू जी आपको याद आ गया होगा कुसाइन अल्फा बाय टू का फॉर्मूला एस इन टू एस माइनस ए अल्फा बाय टू और दोनों तरफ अगर हो तो साइन और कुसाइन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं यहां पर भी आ जाएगा बी सी अब हमने करना है फर्दर सिंप्लीफाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी सी अब क्या किया जाए जी दोनों पर स्क्वायर रूट है तो क्या करें क्या हम सिंगल स्क्वेयर रूट में कंबाइन कर सकते हैं इन्हें जी बिल्कुल कर सकते हैं हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं न्यूमिनेटर में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी डिनोमिनेटर में हमारे पास है बीसी यहां पर भी है यहां पर भी है तो ये हो जाएगा बी सी होल स्क्वायर अब सिंप्लीफिकेशन क्या होगी जी ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा यहां पर स्टूडेंट्स ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि इस स्क्वेयर रूट को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देते हैं ये स्क्वायर रूट किसका है यानी किस किस का है इनफैक्ट यह न्यूमिनेटर का भी है यह डिनोमिनेटर का भी है यह डिनोमिनेटर अपने लिए तो इसे कैंसिल कर सकता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं यानी ऐसे ही है जैसे दो भाई हो और उनका एक मकान हो जो बाप की तरफ से उन्हें मिला हो अब आप क्या यह सोच सकते हैं कि एक भाई मकान दोनों का है एक भाई उस मकान को बेच के भाग जाए खा ले उसे फ्रॉड कर ले कैसा होना चाहिए हरगिज नहीं ये जो स्क्वेयर रूट है ये इसे तो मैं छत कहा करता हूं इनफैक्ट छत ये स्क्वायर रूट ये दोनों के लिए न्यूमिनेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी तो डिनोमिनेटर अपने हिस्से का स्क्वेयर रूट कैंसिल कर सकता है न्यूमिनेटर पर से कैंसिल नहीं कर सकता जब तक कि उसकी मर्जी शामिल ना हो और उसकी मर्जी यह हो सकती थी कि अगर उसके ऊपर भी स्क्वायर होता तो उस पर से भी कैंसिल हो जाता सो so, हम यहां पर इस तरह से करेंगे कि न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट रहेगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ अब सिंप्लीफिकेशन जी बी सी बी सी के साथ कैंसल हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हासिल हुआ देर इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये स्टूडेंट्स हमें ड्राइव करना था प्रूव्ड इसका नाम यहां पर मैं आपको रिकॉल करवा दू मैंने स्टार्ट पर बताया दिस इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला और हेरन्स फार्मूला स्टूडेंट्स यहां पर हमारा ये प्रूफ तो एंड हुआ अब जरा इस प्रूफ को वापस देख लें इस फॉर्मूला को कि ये उस वक्त आपको यूज करना है जब तीन साइड्स हमें गिवन हो किसी ट्रायंगल की और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए हमें फाइंड आउट करना होगा उस सूरत में एस और एस हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू से एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू यानी इसे हम कहते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर अब हम स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक को जो हमने डेरिवेशन की हमने तीन केसेस डिस्कस किए हम वन बाय वन उन तीनों केसेस को रिकॉल करते हैं और ये देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा फ्रेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल के केसेस रिवाइज करते हैं केस वन इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल विल बी गिवन अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूड एंगल गिवन हो तो हमारे फॉर्मूलाज क्या होंगे जी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वन बाय टू बी सी साइन ऑफ अल्फा दूसरा फॉर्मूला वन बाय टू सी साइन ऑफ बीटा तीसरा फॉर्मूला वन बाय टू ए बी साइन ऑफ गैमा इसके बाद हमारा दूसरा केस दूसरा केस क्या था जी वेन टू एंगल्स एन साइड इज गिवन इफ टू एंगल्स एंड आ साइड विल बी गिवन जब दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तब हम क्या करेंगे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ए स्क्वेर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय टू साइन ऑफ अल्फा अब जरा इसके पैटर्न को समझ लें इसके पैटर्न को जरा नोट कर लें अगर ऊपर ए स्क्वायर है तो साइन ऑफ अल्फा नीचे है अब अगर यहां पर बी स्क्वायर होगा तो साइन ऑफ बीटा नीचे होगा अल्फा और गैमा ऊपर आ जाएंगे और इसी तरह तीसरा भी आपको समझ आ जाएगी दूसरा और तीसरा फॉर्मूला भी लिखते हैं दिस इज फर्स्ट वन स्क्वेर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ गैमा टू इंटू साइन ऑफ बीटा और थर्ड वन सी स्क्वेर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिनोमिनेटर में अब यहां पर हमने बात की स्टूडेंट्स जब दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो लेकिन आपको फार्मूलाज में क्या नजर आ रहा है फार्मूलाज में नजर आ रहे हैं तीनों एंगल्स तो ये थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट होगा जी थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू वन एटी डिग्रीज के कॉन्सेप्ट से थर्ड केस इफ थ्री साइड्स विल बी गिवन अगर तीनों साइड्स गिवन हो तब हम क्या करेंगे वी विल यूज हीरोज फॉर्मूला। स्क्वेयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू ये हमारा आ गया थर्ड केस एक फार्मूला जो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाना चाहूंगा जिसके लिए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे मदर फार्मूला जिस फार्मूला से ये तमाम फार्मूलाज इनफैक्ट ड्राइव हुए हैं वो फार्मूला क्या था जी ये फार्मूला हमने उसी से ड्राइव किया था मदर फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल जी दैट वॉज चले मैं यहां पर लिख लेता हूं वो था हमारे पास वन बाय टू बेस इन हाइट ये फार्मूला आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं कि ये राइट ट्राइंगल के लिए सिर्फ वैलिड है दिस इज वैलिड फॉर ऑल ट्राइंगल्स सिर्फ मसला क्या है मसला होता है हमें हाइट फाइंड आउट करते हुए किसी एक साइड को बेस कंसीडर करें और हाइट अगर हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाए उस ट्राइंगल की तो ये फॉर्मूला किसी भी सिचुएशन में फाइंड आउट इनफैक्ट यूज किया जा सकता है सो so स्टूडेंट्स यहां पर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं थैंक यू